लोग समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएम बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये छोटा चैप्टर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, अमूमन सारे एग्ज़ाम में देखा जाता है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन रहता है। मैं इस वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। दोस्तों, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि आप मेरा चैनल कम से कम सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों से ये सपोर्ट की उम्मीद है मुझे, ताकि मैं आपके लिए और भी कुछ काम कर सकूं। जैसे इंग्लिश का क्लासेस है, वो भी लेकर के आने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे आप लोगों का ही सपोर्ट चाहिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और मैं आपके लिए काम करता रहूं। चलिए, ठीक है, अब शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको एलसीएम का हिंदी जो उसका फुल फॉर्म होता है वो भी नहीं पता होता सही ढंग से। जैसे कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है हिंदी में लघुतम समापवर्त्य, और एचसीएफ का होता है महत्तम समापवर्तक। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, एक समापवर्त है तो दूसरा समापवर्तक है, और यही नाम के फर्क से ही आप इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। इसका इंग्लिश में होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका अंग्रेजी में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम और एचसीएफ तो हम लोग क्लास 6-7 शायद 5-4 से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए होते हैं। जैसे कि भिन्न का जोड़ है तो वहाँ भी एलसीएम का प्रयोग होगा। उसके बाद क्लास 5-6 में जब आते थे तो हम लोग इस पर कई सारे क्वेश्चन देखते थे। तो आज हम लोग प्रयास करेंगे इसके एक एक बारीक यानी बेसिक से हम स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसे जब आप एलसीएम पढ़ते हैं, और पहले हम शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम को, जब आप एलसीएम पढ़ते हैं तो एलसीएम में आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये मल्टीपल क्या है, अर्थात अपवर्त क्या होते हैं। अंग्रेजी में आप, सॉरी हिंदी में इसको आप अपवर्त भी कह सकते हैं, कहीं कहीं इसी को गुणज लिखा जाता है, और अंग्रेजी में इसको आप मल्टीपल कहते हैं। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है, जैसे कि एवरेज का भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो एवरेज में भी, और जो भी एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं देखे थे, आप एवरेज का कॉन्सेप्ट मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट देने का मैंने प्रयास किया था, आप तो शायद वो कॉन्सेप्ट पहुँचेगा। तो गुणज जो होता है, गुणज से संबंधित सवाल आपको एवरेज में भी आपको मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 3 का गुणज क्या होगा, 3 का गुणज बताएं, तो 3 का गुणज कहने का अर्थात हुआ कि आप 3 का पहाड़ा यानी 3 को गुना 1, 2, 3, 4 से करते हुए कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। यानी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 इस प्रकार से कहाँ तक आप जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। क्योंकि जब संख्याओं का अंत नहीं हुआ है, जब अंकों का अंत नहीं हुआ है, इसका मतलब कि गुणज का भी अंत नहीं होगा, ये भी अनंत तक जाएगा। कोई पूछ दिया आपसे 7 का गुणज, तो 7 का गुणज होगा 7, 14, 21, 28, 35, इस क्रम से बढ़ते रहेगा। तो गुणज कितने होते हैं, आप एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, कॉपी पर उठा लीजिए आप लोग, और लिखिए कि गुणज जो है वो अनंत तक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि संख्याओं का खुद अंत नहीं है। तो जब संख्याओं का अंत नहीं है, तो जब किसी भी संख्या या किसी भी अंक का हम गुणे निकालेंगे तो वो अनंत तक जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप इसकी परिभाषा को जरूर लिखें, परिभाषा को लिखिए, क्योंकि परिभाषा आपको इसको समझने में बहुत आसानी, बहुत ही आपको हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। परिभाषा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या
से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी हम एलसीएम उसे कहेंगे जो सबसे छोटी संख्या हमको वो प्राप्त करना है। आप ये कह सकते हैं कि सबसे छोटा गुणज हमको वो प्राप्त करना है जो जो भी संख्याएं दी गई होगी, दो तीन चार जितने भी संख्याएं दी गई होगी, सबों से पूर्णतः वो कटेगी। ध्यान रखिएगा, वो संख्या एलसीएम कटती है, एलसीएम दी गई संख्या वो काटती नहीं है, वो कटती है। अब हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई 12 और चलिए 18 ले लेते हैं, 12 और 18 का एलसीएम बताइए, तो हम एलसीएम में क्या किस चीज़ की बात करते हैं? अपवर्त की बात करते हैं, गुणज की बात करते हैं। तो 12 गुणज होगा 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, क्रमशः कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। 18 का होगा 18, 36, 54, 72, 90, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा? ये बिल्कुल सही, ये भी अनंत तक जाएगा। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि इसमें कौन सा ऐसा कॉमन है जो इन दोनों के मल्टीपल में आपको देखने को मिलता है। तो आप इतनी सी ही संख्या में आप 36 और 72 इन दोनों कॉमन को आप देख सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो दोस्तों हम लोग ये बात कर रहे थे कि पहला गुणज कॉमन कौन है? 36। दूसरा गुणज कॉमन कौन है? 72। तो आगे इस प्रकार से अगर आप देखें गुणे में, तो आपको 108 भी कॉमन मिलेगा। लेकिन हमको सिर्फ कॉमन नहीं देखना, हमको ऐसा कॉमन देखना है जो गुणज में ऐसा कॉमन हो जो सबसे छोटा हो, लिस्ट हो। तो आप सबसे छोटा गुणज किसको देख रहे हैं? 72 को। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 को। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। देखिए, एलसीएम का यही सबसे बेसिक बात होता है, यही सबसे बेसिक है। लेकिन अगर यदि इसके विधियों की बात की जाए तो इसमें कई विधि होते हैं। तो हम लोग एक एक करके सब विधि को देखते हैं, और सबसे पहला विधि हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम होता है गुणनखंड विधि। इसी को अंग्रेजी में बोलता है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? जैसे अगर हम जो अभी सवाल लिए थे 12 और 18, अगर इन दोनों को हम गुणनखंड विधि से अगर एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जब भी गुणनखंड विधि आप अपनाएंगे, इसमें इसके जितने भी भाग आप जितने भी इसका खंड लिखेंगे सभी अभाज्य होने चाहिए। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो केवल एक से भाग जाए और खुद से भाग जाए। वेरी गुड। तो 12 को हम लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12। देखिए सभी अभाज्य संख्याएं हैं, दो अभाज्य संख्या है कि नहीं, कन्फ्यूज नहीं करना। दो एक सम संख्या है, साथ में यह एक अभाज्य संख्या भी है। तो एसएससी में डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन पूछा गया था एलडीसी में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या होगा? 2। वेरी गुड। 18 को लिखेंगे आप 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब इसका एलसीएम निकालते हैं इस विधि में, तो जो कॉमन आया है उससे आप एक ले लेंगे, यहाँ जो कॉमन आया उसका भी एक भाग आप निकाल लेंगे, लेकिन जो बच गया भाग, जैसे 2 और 3 और बच गया है, तो आप बचे हुए भाग को भी गुना कर देंगे। देखिए आपका मान फिर से 36 आ रहा होगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी हमारा एलसीएम का मान बिल्कुल सही है। आप इसको अच्छे समझिए, ये कॉम्पिटिशन में ये मेथड से नहीं आता है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है? कई बार टैट जैसे विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो सी टैट दे रहे हों, जे टैट दे रहे हों, बी टैट दे रहे हों, या कुछ और छोटे एग्जाम्स के लिए ये बहुत कारगर हो सकता है। अगला है भाग विधि। इस विधि को आप लोग बहुत भली भांति जानते होंगे। जैसे
अगर आपसे कहा जाए कि 12 और 18 का एलसीएम भाग विधि निकालिए, तो पहले हम लोग ये करते हैं कि जिस भी छोटी अंक से इसको भाग देने जा रहे हैं कम से कम दो अंक कटना चाहिए, और यहाँ पर तो दो ही अंक है। तीन अंक भी रहेगा, चार अंक भी रहेगा, तो पर भी दो अंक कम से कम कटने चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ होता 24, ठीक है, तीन अंक ले लेते। चलिए अब शुरुआत हम लोग यहाँ पे कम से कम दो से, देखिए 6 कट जाएगा या सॉरी हाँ 6 दुनी 12 कटेगा, 9 दुनी 18 और 12 दुनी 24। देखिए फिर दो से कट जाएगा, 3 दुनी 6, 3 तिया 9 और 6 दुनी 12। लेकिन इस बार देखिए 3 से कटेगा, तो एक यहाँ भी एक और यहाँ पर दो। इसका मतलब कि जितने भी आपने संख्याएं ली है भाग करने के लिए, आप उसको आपस में गुणा कर दीजिए। 2 दुनी 4, 4 तिया 12 और 12 दुनी 2 दुनी 4 तिया 12, 12 दुनी कहीं कुछ गलती हो रहा लगता है, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है कि जब हम दो से यहाँ काट रहे थे तो यहाँ पर इसका 9 का 9 उतर जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो नहीं कटता हो उसे आप हूबहू उतार देंगे। तो जब आप 3 से काटेंगे तो ये 1 और ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 तिया 9। तो अब देखिए क्या हो जाएगा मान, आपका मान हो जाएगा 2 दुनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36, 36 गुने 2 कितना हो गया 72। आप देखिए क्या 72 12 से कटता है, 72 18 से कटता है, क्या 72 24 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। इसका मतलब आपका एलसीएम का मान बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच में कि भाई कंपटीशन में क्या हम ऐसे सवालों को इस ढंग से बना पाएंगे। अगर आप कंपटीशन में ऐसे सवालों का एलसीएम इस ढंग से अगर आप निकालते हैं तो आप समझिए कंपटीशन से बाहर हैं। आप इसमें कुछ ऐसा विधि अपनाएंगे जिसको आप कह सकते हैं कि कंपटीशन का विधि, कुछ नया विधि। चलिए इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर नया विधि। और इस विधि का दो तरीका है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम 12, 18 और 24 का ही लेते हैं, तो इसमें कुछ लोग बहुत तरह के चीज़ को सिखाते हैं, बहुत तरह का चीज़ आप लोग जानते भी होंगे। जैसे कि 24 सबसे बड़ा जो मान जो उसको आप ले लिए एलसीएम, इसको दुगुना कर दिए, तिगुना कर दिए, चार गुना कर दिए, पाँच गुना कर दिए। क्या लगता है कि जब इसका मान बहुत बड़ा बड़ा मान आपको दिया जाए तो क्या वहाँ पर ये दुगुना तिगुना करना इतना आसान हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ क्या तरीका अपनाओगे ध्यान से देखना। सबसे बड़ी संख्या को हम लोग यहाँ एलसीएम तो मानेंगे, बिल्कुल सही, पहले जैसा ही। लेकिन अब हम लोग चेक करने का शुरू करेंगे कि जो हम लोग मान एलसीएम लिए हैं क्या वो दिए गए संख्याओं से कट रही कुछ क्या। तो 12 से ये कटेगा, इसका मतलब कि आप इससे कोई भी काम, यानी 12 का कुछ भी भाग उसमें जाकर गुना नहीं होगी। 18 को देखते हैं, देखिए अगर 24 6 के गुणज में है और 18 भी 6 के गुणज में है तो आसानी ये होगी कि आप दोनों को 6 के गुणज में ही तोड़ दो। 18 होगा 6 3 18 और 24 हो जाएगा आपका 6 गुने 4 24। अब यहाँ एकदम ध्यान से सुनने का समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको दिक्कत लगे दोबारा वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्या समझाया था। 18 से 24 को कटा नहीं तो हम इसके कुछ भाग को वहाँ गुना करेंगे। अब वो कैसे जाए वो समझिएगा। 18 का कौन सा भाग यहाँ मैच कर रहा है, देखिए 6 और 6 मैच कर रहा है, लेकिन 3 अब यहाँ मैच नहीं कर रहा है। तो जो चीज़ मैच नहीं कर रहा है उसको आप यहाँ गुना कर दीजिए और आपका मान आ जाएगा 72। देखिए आपका एलसीएम मिल गया 72, और ये किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई हो सकता है और ये एक बेहतरीन मेथड है। आप इसको अप्लाई करिए और सवालों को आसानी से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग एससीएफ को देखने जा रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस वीडियो में से आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अगले वीडियो में आपको इस पर क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो एससीएफ में हम लोग देखने जा रहे हैं अपवर्तक को, अपवर्तक को। अपवर्तक का अंग्रेजी होता है फैक्टर, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले फैक्टर क्या होता है, तब तो हम लोग एससीएफ को समझ पाएंगे। तो फैक्टर होता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया
कि 12 का फैक्टर बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि 12 किन किन संख्याओं से कटने वाली है, तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छः से कटेगा और 12 से भी कटेगी। इसका मतलब कि 12 का फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। आप ये कह सकते हैं जिस प्रकार मैंने देखा था कि गुणज जो है वो अनंत होते हैं लेकिन अपवर्तक यानी फैक्टर क्या है, सीमित होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं इसके इस पर आधारित जो है क्वेश्चन का कैसे हम डील करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए, अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 18 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 18 का फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये सभी इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवालों पे। ठीक, देखते हैं कि SCF में सवाल किस प्रकार से आपको डील करना है। जैसे 12, 18 और 24 का अगर SCF पूछा जाए तो जो हम लोग पहले से जो इसका बेसिक विधि है वो विधि ये है कि आप 12 को लिखेंगे 2 × 4, 4 × 3 = 12, 18 को लिखेंगे 2 × 6, 6 × 3 = 18, 2 × 4, 4 × 8 = 24, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड करने पर। अब इसमें देखना है कि इसमें कॉमन क्या होता है, तो तीनों में जो कॉमन मिलेगा उसको आप घेर लेंगे। तो यहाँ से आपको कॉमन मिला 2 और यहाँ से कॉमन क्या है 3। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग LCM में बचे हुए मान को भी गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पर बचा हुआ मान गुणा नहीं होगा, जो कॉमन आएगा वही आपको सिर्फ गुणा करना है, तो आपका मान हो जाएगा 6। इसलिए SCF का जो परिभाषा होता है वो इस प्रकार होता है, ज़रा कॉपी कलम लेके आप लोग उतार लीजिए इसका, मैं बोल देता हूँ, थोड़ा लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है। SCF का ये होता है परिभाषा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। ध्यान रखिएगा, LCM में था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, और SCF होता है कि जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी SCF होता है काटने वाला और LCM होता है कटने वाला। अब देखिए क्या SCF में हम लोग विधि जो है, हम लोग सारे विधि को नहीं पढ़ने वाले क्योंकि विधि पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। हम आपको डायरेक्ट अप्रोच सिखाते हैं, कंपटीशन अप्रोच, कि हम लोग को कंपटीशन में किस विधि से बनाना चाहिए। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे एक पूछा हुआ सवाल जो कि आपका TC में, जो NTPC एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें एक पोस्ट होता आया था TC, तो TC में एक सवाल पूछा गया था। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल था 42, 63 और 140, इसका आपसे SCF पूछा गया। तो अगर आप इसको गुणनखंड विधि से बनाएं या भाग विधि से बनाएं, जो SCF में होता है, दोनों में आपको समय लग सकता है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ कंपटीशन आपको अप्रोच समझाऊं, तो कंपटीशन अप्रोच वो ये इस प्रकार से है कि आप जितने भी दिए गए संख्याएं हो SCF में, उसमें से आपको 2 ऐसे संख्या को चुन लेना है जो आपस में बेहद नज़दीक हो, यानी आप कह सकते हैं कि 2 क्लोजेस्ट नंबर इसको आपको चुनना हो, जिनके बीच का डिफरेंस सबसे कम हो। जैसे हम 42 और 63 को अगर लेते हैं, क्योंकि बाकी का अंतर जो है इन सबसे ज़्यादा है, तो 42 और 63 के बीच अंतर आपका 21 आता है। आपको ये देखना है कि क्या 21 से 42 कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। 21 से 63 ये भी कट जाएगा, लेकिन 21 से 140 बिल्कुल भी नहीं कटेगा, यानी आपका 21 जो है SCF नहीं होगा। यदि प्राप्त किए गए अंतर से संख्याएं कट जाए तो यही आपका SCF होगा, अन्यथा जैसा कि यहाँ पर नहीं कट रहा है तो आप इसको भी तोड़ देंगे, जैसे इसको हम 7 × 21 कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कि 3 से ये सब नहीं कटने वाला सब, लेकिन 7 से ये सभी कटने वाले हैं, तो आपका SCF क्या हो जाएगा, तो आपका SCF हो जाएगा 7। तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मेथड हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं।
सवाल है 111, 185 और 481। क्या लगता है गुणनखंड विधि या भाग विधि कुछ भी इसमें काम करेगा? आप बिल्कुल फंस जाएंगे इसमें। और ये भी सवाल आपका एसएससी में पूछा हुआ है, तो देखते हैं सवाल कैसे बनेगा। ये तो ऑब्वियस ही बात है, देख रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच सबसे कम गैपिंग है, और गैपिंग कितना का है, तो ये गैपिंग हो जाएगा आपका 4 और हो जाएगा 7, 74 का अंतर है इन दोनों के बीच। ठीक है, 74 से ये कोई भी नहीं कटने वाला है, आप काट के देख सकते हैं, 74 एकम 74 तो कटेगा और 74 दोनों इससे पार हो जाएगा, यानी 74 से सब नहीं कटने वाला, कोई एक भी अगर नहीं कटता है जो आप डिफरेंस प्राप्त किए हैं, अगर उससे कोई एक भी नहीं कटता है तो वो आपका एससीएफ नहीं हो सकता है, यानी आपको इसको तोड़ना होगा। इसको तोड़ने का एक ही विधि है आपके पास, एक ही उपाय है, और उपाय ये है कि आप इसको 37 × 2 कर दें। ठीक है, 2 से तो देखिए 5 कटेगा नहीं, 2 के पहाड़ा में एक भी नहीं आता किसी के अंत में, तो आप 2 से काट नहीं सकते हैं, यानी आपको 37 से काटना होगा। तो 37 से काटना होगा, इसका मतलब कि आपका एससीएफ क्या हो जाएगा, 37, क्योंकि 37 एक आभास संख्या भी है और ये अब टूटने वाली नहीं है, अर्थात 37 से ये सारे संख्याएँ कट रही होंगी, आपका एससीएफ कितना हो गया, 37। तो आज के लिए आपका इतना कॉन्सेप्ट हम एलसीएम और एससीएफ देने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग से फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।